हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और GTU डेली टेक के इस नए वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, टेक न्यूज में थोड़ा मजा लाने के लिए, थोड़ा एंटरटेनमेंट लाने के लिए अब हम वापस लेके आ गए हैं आज से टेक न्यूज के अंदर दो तरह के गिव अवे। पहला गिव अवे है कि एक वाउचर मिलेगा आप में से किसी एक को जो कि वीडियो को लाइक करते हैं या नीचे कमेंट करते हैं, और दूसरा GTU टेक हंट भी मिलेगा। जी हाँ, वीडियो के अंदर आपको आगे मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम लाइक टारगेट रखा करेंगे रोज आज से, तो आज का लाइक टारगेट है 250 लाइक्स। तो अगर 250 लाइक्स होते हैं आज के टेक न्यूज के वीडियो पे, तो आप में से कोई एक वाउचर जीत जाएगा। जो भी नीचे कमेंट करते हैं, बस कमेंट करते समय अपना कोई भी सोशल मीडिया आईडी जरूर लिख देना जहां पे हम आपको कनेक्ट कर सकें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं टेक ऑफ द डे के साथ। टेक ऑफ द डे के अंदर आज है एक ऐसी बात जो कि आपको पता होनी चाहिए कि पहली कमर्शियल सैटेलाइट जो है आज ही के दिन स्पेस के अंदर डाली गई थी, और वो कमर्शियल सैटेलाइट से कॉल पॉसिबल हो पाई थी, यानी कि टेलीफोन कॉल, सैटेलाइट कॉल पॉसिबल हो पाई थी इन बिटवीन अमेरिका एंड यूरोप। तो टेक्नोलॉजी की दुनिया में पहली कमर्शियल सैटेलाइट तब आई थी, अब तो बहुत सारी हैं और बहुत कुछ है। तो आज के टाइम पे तो स्पेस नेट भी है, तो वो सब चीज़ें भी आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी धीरे धीरे आगे बढ़ती है, लेकिन शुरुआत एक सैटेलाइट से हुई थी। अब कितनी सारी सैटेलाइट GPS नेविगेशन और टेलीफोन कम्युनिकेशन और इवन मिलिट्री के जो कम्युनिकेशन है उसके अंदर भी हेल्प करती हैं। बात करते हैं दोस्तों पहली खबर के बारे में। पहली खबर आ रही है OnePlus की तरफ से। OnePlus का Nord 2 देखा गया है अगेन से AI बेंचमार्क वेबसाइट पे। तो AI बेंचमार्क वेबसाइट पे मुकुल शर्मा जी ने देखा है इसको। MediaTek Dimensity 1200 चिपसेट के साथ ये कंफर्म हो चुका है। 8GB रैम आपको इसमें मिनिमम मिल जाएगी, और ये फ़ोन बहुत जल्दी लॉन्च होगा। बहुत जल्दी मतलब जुलाई के महीने में ये फ़ोन आने वाला है। तो OnePlus Nord 2 का वेट आप डेफिनेटली कर सकते हैं। अब देखते हैं कि किस प्राइसिंग पे आता है और क्या कुछ कमाल दिखाता है ये फ़ोन। साथ ही साथ बात करते हैं अगली खबर के बारे में। एक ऐसा फोन लॉन्च होने वाला है जिसमें आपको 192 मेगापिक्सल का कैमरा मिलेगा, और 192 मेगापिक्सल का कैमरा कुछ इस तरह से है 16:1x12 मेगापिक्सल, तो कुछ इस तरह से है बेसिकली। बट एक एंड्रॉयड स्मार्टफोन जिसमें 192 मेगापिक्सल होंगे, क्या उसकी ज़रूरत भी है? क्योंकि आज के समय में 48 मेगापिक्सल वाली जो फोटो भी होती है वो भी बहुत ठीक ठाक सी होती है। एक समय पर हमें लगता था कि पता नहीं क्या ही हो जाएगा 48 मेगापिक्सल से। तो ऐसे में देखने वाली बात यह है कि क्वालिटी ऑफ इमेज कितनी होती है, फोकस एरिया कितना होता है। स्मार्टफोन की फोटोज़ के अंदर नॉर्मली एक चीज़ नोटिस करी है मैंने रिव्यूज़ के अंदर, कि जो फोकस एरिया ना वो इतना सा होता है और बाकी सब एरिया के अंदर डिटेल अच्छे से नहीं होती। तो कोई भी चीज़ कैप्चर करो तो प्रॉपर क्लैरिटी नहीं मिलती है पूरे सब्जेक्ट की, थोड़ी ब्लरिंग देखने को मिलती है, जो कि शायद समय के साथ इम्प्रूव होगी। बात करते हैं दोस्तों अगली खबर, और ये है ओप्पो की तरफ से। ओप्पो का रैप अराउंड डिस्प्ले वाला डिवाइस एक और जो है देखा गया है। इसका नाम कुछ डबल जिगजी करके कुछ उसका नाम है, अजीब सा नाम है यार, मतलब कैसे ही बोलेंगे इस फ़ोन को। बट एनीवेज, तो ये एक ओप्पो का स्मार्टफोन है। ऑलरेडी हमने ओप्पो का भी एक स्मार्टफोन देखा था जिसका हैंड्स ऑन वगैरह भी किया था कुछ और लोगों ने, यूट्यूबर्स ने, टेक की कम्युनिटी में। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि ओप्पो कहीं ना कहीं तेज़ी से बढ़ रहा है एक फोल्डेबल, एक स्ट्रेचेबल डिस्प्ले वाले स्मार्टफोन को मेन स्ट्रीम तरीके से लॉन्च करने के लिए। तो अभी इनिशियल रिव्यूज़ कराए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं लोग टेस्टिंग कर रहे हैं, उसका फीडबैक दे रहे हैं, और समय के साथ हो सकता है कि वो एक कमर्शियल फ़ोन लेके आ जाएं जो कि हर कोई खरीद पाए, जिसके अंदर आपको एक स्ट्रेचेबल फोल्डेबल डिस्प्ले मिलेगा। अब वो होगा कितने का? महंगा तो होगा, कम से कम 1.5 से 2 लाख रुपए मान के रखो। लेकिन 1.5 से 2 लाख रुपए का ओप्पो का फ़ोन कौन लेगा? सैमसंग का तो फिर भी ले लेते हैं। क्या आप लोगे फ़ोन ओप्पो का इतना महंगा? तो लोगों को ब्रांड वैल्यू इतनी अच्छी है नहीं ओप्पो की, बट ठीक है, कोशिश तो कर रहे हैं। बात करते हैं दोस्तों फौजी के बारे में। फौजी के अंदर फाइनली टीम डेथ मैच मोड आ गया है। इन लोगों ने काफ़ी हल्ला मचाया, पबजी से पहले पता नहीं क्या क्या करने वाले थे ये लोग, लेकिन बाजार मैप करके एक आ चुका है। जो लोगों ने इस गेम को खेला है, अभी अर्ली टेस्टिंग में अवेलेबल है, वो ये कह रहे हैं कि यार बिल्कुल काउंटर स्ट्राइक वाला एक्सपीरियंस आ रहा है, और बिल्कुल ही बेकार एक्सपीरियंस है इस गेम का गेमिंग करते समय। तो ऐसे में पता नहीं कितना खास है, मैं तो ट्राई नहीं करने वाला फ़िलहाल, लेकिन हाँ अगर आप चाहो तो हम इसका एक वीडियो बना देंगे। बात करते हैं दोस्तों क्राफ्टन के बारे में। क्राफ्टन वही कंपनी जिसकी है, जिसका है BGMI, तो BGMI को उन्होंने एक तरह से पबजी को दोबारा से रीलॉन्च किया। तो क्राफ्टन जो है
उन्होंने इन्वेस्ट किया है एक इंडियन वीडियो गेम वेंचर में जिसका नाम है लोको। तो ये जो गेमिंग है प्लेटफॉर्म, ये बेसिकली एक इंडियन गेमिंग प्लेटफॉर्म है और इसमें इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है। तो इनको तकरीबन $9 मिलियन की जो है फंडिंग मिली है, विच इज़ अ गुड थिंग, यानी कि इंडिया में गेमिंग बढ़ रहा है, इसीलिए बाहर की कंपनीज भी अब कहीं ना कहीं गेमिंग के अंदर पैसा लगा रही हैं और इवन इंडियन गेमिंग कंपनीज के अंदर पैसा लगा रहे हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। बात करते हैं दोस्तों अगली खबर और ये है पोको F3 GT के बारे में। पोको F3 GT इंडिया के अंदर बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है। BIS की वेबसाइट यानी कि भारत की सर्टिफिकेशन वेबसाइट पे वो आ चुका है। ये भी डायमेंसिटी 1200 वाला चिपसेट वाला फ़ोन है और इसमें भी आपको कम से कम 8GB रैम मिलेगी और ये K40 गेम एनहांस्ड एडिशन इसको बोल रहे हैं, बेसिकली उसी का रीब्रांडेड नाम है पोको F3 GT। तो पोको F3 GT वर्सेज OnePlus का Nord 2, ये होगा तगड़ा कंपटीशन जिसके अंदर देखने वाली बात ये होगी कौन सा फोन ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है, कौन सा फोन का कैमरा ज्यादा अच्छा है और कौन से फोन का UI ज्यादा बेहतर है। इन सब चीजों पे मैटर करेगा ये कंपैरिजन जो कि हम आपके लिए लेके आएंगे। बात करते हैं दोस्तों iPhone 13 Pro के बारे में। iPhone 13 Pro में ऐसा कहा जा रहा है कि उसके जो वाइड एंगल कैमरा होगा ना उसमें भी आपको ऑटो फोकस मिल जाएगा और इवन जो रेगुलर मॉडल्स हैं उनके अंदर भी आपको नेक्स्ट ईयर तक ऑटो फोकस मिलेगा वाइड एंगल कैमरा में। अब जो मेन प्राइमरी कैमरा सेंसर होता है उसमें तो ऑटो फोकस होता है, लेकिन जो वाइड एंगल कैमरा होता है ना जिससे आप लैंडस्केप बड़ी वाली फोटो लेते हैं, बड़ा एरिया कैप्चर करना है, पहाड़ों में गए हैं, रोड की फोटो लेनी है, बड़ा एरिया कैप्चर करना है, तो वो कैमरा के अंदर फोकस नहीं होता, ऑटो फोकस नहीं होता है। बट ऑटो फोकस आ जाएगा तो यानी कि और बेहतर क्लैरिटी मिल जाएगी वाइड एंगल कैमरा में, जो कि एक अच्छी बात है और एप्पल करेगा तो एंड्रॉयड वाले तो अपने आप ही कर लेंगे। बात करते हैं दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी वॉच 4 के बारे में। सैमसंग गैलेक्सी वॉच 4 बहुत जल्दी लॉन्च होने वाली है, इसका हिंट मिल चुका है क्योंकि इसके सपोर्ट पेजेस जो हैं सैमसंग इंडिया की वेबसाइट पे, सैमसंग रशिया की वेबसाइट पे लाइव हो गए हैं, यानी कि सैमसंग अपनी नई वॉच 4 जो है लॉन्च करने वाला है एंड इट इज गोइंग टू हैव एन एक्टिव एडिशन एज वेल व्हिच इज गोइंग टू बी चीपर। अब बात करते हैं टीवी के बारे में। जी हाँ, टीवी लॉन्च हो रहा है Xiaomi का 100 वॉट के स्पीकर के साथ, यानी कि टीवी के अंदर ही साउंड बार, वो भी तगड़े वाला, तो आपको अलग से साउंड बार लेने की जरूरत नहीं है और उसमें आपको 40MP के डुअल कैमरा भी मिलेंगे। अब डुअल कैमरा क्यों? डुअल कैमरा इसीलिए ताकि अगर आप टीवी के अंदर ही कैमरा और आपको वीडियो कॉलिंग करनी है जो कि आज के समय में टीवी के थ्रू पॉसिबल है तो आप कर पाएंगे और उसमें शायद डुअल कैमरा से आपको बैकग्राउंड ब्लर अच्छा मिल जाएगा, यानी कि आपको बिल्कुल DSLR वाला इफेक्ट दिखेगा। 48MP कैमरा आपके टीवी में ही लगा होगा तो आप किसी को भी कॉल कर पाएंगे और ये बेसिकली ऐसा हिडन कैमरा होगा जो टीवी के पीछे होगा, जो ऐसे करके बाहर निकल के आएगा जैसे कि आप डिज़ाइन में देख पा रहे हैं। तो अच्छा है, ये टीवी इंडिया भी बहुत जल्द आएगा, देखते हैं कि क्या होता है, क्या इसके ऊपर प्राइवेसी की क्या चीज़ें लगती हैं, क्योंकि टीवी के ऊपर कैमरा इज़ समथिंग थोड़ा फिशी हो जाता है, उसका कैमरा का कवर होना चाहिए, इसमें ऐसा कवर नहीं दिख रहा है। बात करते हैं दोस्तों Huawei के बारे में। Huawei स्टार्ट करने वाला है मैन्युफैक्चरिंग अपनी खुद की चिप्स का और वो करेंगे वुहान में। वुहान वही जगह है जहाँ से कोरोना वायरस आया था। तो Huawei का क्योंकि बहुत बड़ा नुकसान हुआ है ट्रेड वॉर के चलते हुए, वो गूगल जो है कंपनीज और क्वालकॉम जो है उनके साथ डील नहीं कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं Huawei का एकदम से स्मार्टफोन के ऊपर रोक लगा दिया है, काम के ऊपर रोक लगा दिया है। बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है US चाइना ट्रेड वॉर में Huawei का। तो Huawei अब डिसाइड कर चुका है कि भाई हम अपनी चिप भी जो है ना वो ताइवान में नहीं बनाएंगे TSMC से या फिर सैमसंग से नहीं बनवाएंगे, हम अपनी चिप जो है खुद बनाएंगे और वो भी वुहान में। वुहान में ये लोग वायरस भी बनाते हैं, अब ये चिप भी बनाएंगे। तो दोस्तों बात करते हैं टिप्स एंड ट्रिक्स की। टिप्स एंड ट्रिक्स में आज कुछ इस तरह से है कि विंडोज 11 के टॉप 10 फीचर्स के बारे में हमने बताया कि कैसे आप उन टॉप 10 फीचर्स की वजह से आपको अपग्रेड करना चाहिए अपना विंडोज 10, और अगर आप करना चाहते हैं कोई दिक्कत है तो वो भी तरीका हमने बताया कि कैसे 3 तरीके हैं इस प्रॉब्लम को फिक्स करने के। अगर आपने वो टूल डाउनलोड कर लिया है माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट से और वहाँ पे वो कह रहा है कि यू कांट अपग्रेड टू विंडोज 11, तो ऐसे में उस चीज़ को फिक्स कैसे करना है वो हमने बताया है, उसके हैं 3 तरीके, आप जाके ज़रूर पढ़ लीजिए। और एक और टिप मैं आज बता रहा हूँ आपको, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एक एक्स्ट्रा टिप दे रहा हूँ कि कैसे आप बड़ी फाइल्स लार्ज फाइल्स जो है भेज सकते हैं व्हाट्सएप पे। 3 तरीके हमने बताए व्हाट्सएप पे बड़ी फाइल्स को भेजने का, आप बिल्कुल यूज़ करिए, उनको जाके पढ़ लीजिए। तीनों ही टिप्स एंड ट्रिक्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो ये थी आज की सारी ताज़ा टेक की खबरें। मुझे मेरा कोई वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक टारगेट को अचीव करिए। 250 लाइक का टारगेट है, अगर होता है अचीव तो आपको मिलेगा वाउचर और हमें तो अच्छा लगेगा कि आपको कुछ मिलेगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।